नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme 8s में आप यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेंज कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपका ये वाला होता है कि आपकी स्क्रीन कितनी जल्दी ये फ्लो कर रही है आपका टच, ठीक है। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट ये होता है। तो यहाँ पर आप चले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, मोर पे चले जाएंगे सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और 60 हर्ट्ज़ का। अभी ये ऑटो सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप करना चाहते हैं उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल पर आप 60 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपको कितना करना है। तो मैं 90 हर्ट्ज़ का कर दूँगी। अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। जब आप गेम प्ले करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेम प्ले होती है, आपकी गेम चिपकती नहीं है, जैसे कि फंसती है ना कई लोगों की स्क्रीन ग्राफिक्स वगैरह, तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो इस टाइप से सेटिंग कर लीजिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।